स्वच्छ भारत में और उसी के तहत बस्ती नगर पालिका में हम सब लोग डोर टू डोर जा करके प्रत्येक मोहल्लों में कूड़ा पात्र का वितरण कर रहे हैं और स्वच्छता के जागरूकता के लिए हम आम आदमी से अपील करते हैं कि जब स्वच्छ वातावरण होगा तो स्वच्छ तन होगा, स्वच्छ मन होगा और इसी के तहत हम गंदगी को दूर भगाने के लिए ये अभियान चला रहे हैं और स्वच्छता घर घर में हो। हम घर की महिलाओं से, घर के बच्चों से सबसे ये आग्रह कर रहे हैं घर घर जा कर के कि स्वच्छता मिशन में डोर टू डोर कूड़ा पात्र वितरित करने का लक्ष्य हमारा ये है कि आप सब इस स्वच्छता में सहयोग करें और पूरे स्वच्छ भारत मिशन को जो देश में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस मिशन को, जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, उसी क्रम में बस्ती नगर पालिका में भी डोर टू डोर स्वच्छता का कार्यक्रम चले। कूड़ा गाड़ी आएगी, विसिल बजाएगी और उस पर सीधे सरफेस पर न डाल करके सीधे कूड़ा गाड़ी पर डाला जाए और स्वच्छ वातावरण हो, स्वच्छ नगर पालिका हो, स्वच्छ शहर हो। कुछ यहाँ पे पेच ये है कि मकानों की संख्या ज़्यादा है लेकिन डिब्बों की संख्या कम है, तो कैसे ये कारगर? अब एक चरण में हमने जो है जो लक्ष्य लिया है प्रत्येक वार्डों में पहले हम 200 डिब्बे वितरित करेंगे और ये हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सक्षम हैं, जो अपने से ले सकते हैं, उनको भी अपने से जागरूक किया जा रहा है ताकि वो भी अपने हिसाब से डिब्बे ले लें। सबको तो हम नहीं पहुंचा पाएंगे लेकिन एक चरण में हमारा ये अभियान है, आगे भी अगर आवश्यकता अनुसार हम उसको बढ़ाने की का पूरा प्रयास करेंगे कि उसको बढ़ा करके प्रत्येक घरों में हम देने का प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में हम इसकी आपूर्ति। कूड़ा गाड़ी क्या डेली आएगी? हाँ, कूड़ा गाड़ी के लिए हमने व्यवस्था बनाई है और अपने नायकों के साथ, अपने इंस्पेक्टर हमारे साथ हैं, हमने कहा है कि विसिल बजाते हुए कूड़ा गाड़ी मोहल्लों में घूमेगी और जगह जगह जा करके कूड़ा एकत्रित करें।